हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे सोरासिस के बारे में। पेशेंट्स की क्वेरीज जो मेरे पास आती है, हमें नंबर ऑफ कॉल्स आते हैं, थाउजेंड ऑफ कॉल्स आते हैं और पेशेंट जो बोलते हैं, जो पूछते हैं और उन्हें जो डाउट है, आज मैं वो क्लियर करूँगी। क्योंकि अक्सर सोरासिस के पेशेंट जो सोरासिस से सफ़र कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनमें सोरासिस की फैमिली हिस्ट्री भी हो। क्योंकि सोरासिस जो मेजरली होता है, वो होता तो फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी है, लेकिन अगर सोरासिस किसी पेशेंट को हो रहा है और उसे फैमिली हिस्ट्री नहीं है सोरासिस की, उसकी फैमिली में कभी नहीं हुआ सोरासिस और वो फिर भी सोरासिस से सफ़र कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत डाउट रहता है कि मेरे तो फैमिली में भी सोरासिस नहीं हुआ और मुझे सोरासिस कैसे हो गया अगर मेरे जीन्स में ही नहीं है। लेकिन सोरासिस ज़रूरी नहीं है कि फैमिली हिस्ट्री में ही पाया जाए तभी आपको हो सकता है। सोरासिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। अब हम समझते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। आपका जब इम्यून सिस्टम किसी भी इन्फेक्शन से फाइट कर रहा है या कोई भी फॉरेन मटेरियल को या फॉरेन बॉडी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सोर थ्रॉट ही हुआ है आपको, या आपको कॉमन कोल्ड सा ही हुआ है, या आपको कोई फ्लू का सिम्टम आया है, कोई फ्लू हुआ है, या आपका थ्रॉट गड़बड़ कर रहा है, गला ख़राब हो रहा है, उस दौरान आपका इम्यून सिस्टम फाइट कर रहा होता है, डिफेंस मैकेनिज्म में चल रहा होता है। अब उस दौरान वो फॉरेन मटेरियल्स को बाहर फेंकने की कोशिश करता है। WBCs आपके डिफेंस मैकेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लिम्फोसाइट्स आपके फॉरेन मटेरियल को बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। उस दौरान अगर एक ट्रिगर, ये जो ट्रिगर है जहाँ पे आपका इम्यून सिस्टम फाइट कर रहा है इन्फेक्शन के अगेंस्ट और उसको कोई ट्रिगर मिल गया है, और उस दौरान भी अगर आपका इम्यून सिस्टम फाइट करने में सक्षम नहीं है और अपनी ही बॉडी को अटैक कर पा रहा है और वो समझ ही नहीं पा रहा कि किसको बाहर फेंकना है बॉडी से और किसको बचाना है, वो डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहा, वो ये अंतर ही नहीं समझ पा रहा कि मैं कौन सी फॉरेन मटेरियल को बाहर फेंकूँ या कौन सी बॉडी सेल्स को मैं बचाऊं। जब वो यहाँ इस कंफ्यूजन में हो जाता है तो, और जब वो सक्षम नहीं है आपका इम्यून सिस्टम बॉडी में इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, तो उस दौरान भी आपको सोरासिस डेवलप हो सकता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर सोरासिस आपको फैमिली में हिस्ट्री में नहीं मिल रहा तो वो आपको ना हो। सोरासिस आपको इन चीज़ों की वजह से भी हो सकता है। अगेन मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मेरे पास बोलते हैं वो कि मैम ना हमारी फैमिली हिस्ट्री में है, सेकंड ना हम अल्कोहल पीते हैं और ना ही हम नॉनवेज खाते हैं, तो हमें सोरासिस क्यों हो रहा है। फिर से मैं यही रीज़न दूंगी कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप अल्कोहल भी नहीं पी रहे हैं या नॉनवेज नहीं खा रहे हैं या आपकी फैमिली हिस्ट्री में नहीं है तो आपको सोरासिस क्यों हो गया। हो सकता है आपकी पिछली जनरेशन में सोरासिस ना हुआ हो, उनके फोर फादर्स और उनके फोर फादर्स को कभी कोई स्किन डिसऑर्डर हुआ हो और सोरासिस हो और वो पहचान ना पाए हों। तो सोरासिस ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट जनरेशन में ही सोरासिस अपने आप को रिफ्लेक्ट कर देगा आपकी बॉडी में। अगर आपको भी सोरासिस है और आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन आपके बच्चे आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उन्हें सोरासिस होगा, हो सकता है उनकी नेक्स्ट जनरेशन में सोरासिस मिल जाए। तो इसको हम समझते हैं कि सोरासिस बेसिकली हो सकता है कि रिसेसिवली भी आपको एक्सप्रेस करे बॉडी में और डोमिनेंटली भी एक्सप्रेस करे। अगर आपको सोरासिस है, आपके बच्चे होते हैं, तो उन्हें सोरासिस होने की संभावनाएं हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन्हें सोरासिस होगा। क्योंकि यहाँ पर फिर ट्रेट मैटर करता है कि जब भी नेक्स्ट जनरेशन या कोई नेक्स्ट प्रोजेनी आ रही है उसमें वो ट्रेट एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा। हो सकता है उनकी अगली जनरेशन में एक्सप्रेस कर दे, या हो सकता है आपके चार बच्चे हैं तो चार में से किसी एक या दो को एक्सप्रेस कर दे। तो ये सारा जो खेल होता है वो क्रोमोसोम, ट्रेट, जेनेटिक मटेरियल का होता है। कोई बीमारी किसी ट्रेट में शो होती है, स्पेशली जब वो जीन्स में ट्रांसफ़र हो रही है, और कोई बीमारी किसी ट्रेट में शो होती है या किसी और जनरेशन में शो होती है। तो अब यहाँ से होपफुली आपको समझ आया होगा कि अगर आपके जीन्स में भी सोरासिस नहीं है, आप अल्कोहल भी नहीं पीते हैं या आपका नॉन वेजिटेरियन डाइट भी नहीं चलता है, तो भी सोरासिस आपको हो सकता है। सोरासिस मुझे भी हो सकता है,
आई नेवर नो मेरे लाइफ टाइम में कितने साल में जी रही हूँ उसमें मुझे सोरासिस हो जाए, ऐसा क्या ट्रिगर पॉइंट मिल जाए जिससे मेरा इम्यून सिस्टम मेरी बॉडी को अटैक करे और वो पहचान ही ना पाए कि किस सेल्स को बचाना है और किस सेल्स को नहीं बचाना है, मुझे भी हो सकता है। इसलिए जब हम बात करते हैं सोरासिस की, तो जब सोरासिस आपको हो जाता है तो हम अल्कोहल, नॉन वेज, स्ट्रेस, इन सब से दूर रहने के लिए इसलिए मना करते हैं ताकि अब जो सोरासिस हो गया है वो बढ़े ना। इन सब रीजंस की वजह से सोरासिस बढ़ जाता है और आपकी बॉडी को एक ख़तरनाक मोड पे ले जाता है, आपके ऑर्गन्स को ख़तरनाक मोड पे ले जाता है और आपको ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए आपको एडवाइस करा जाता है कि आप इन चीज़ों से बचेंगे तो सोरासिस जो हुआ है वो ठीक कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। बेसिकली ये है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। फैमिली हिस्ट्री होना ज़रूरी होता है, लेकिन हर केस में आपको फैमिली हिस्ट्री मिले ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको अपनी पिछली जनरेशन की फैमिली हिस्ट्री पता है, उनके फोर फादर्स और उनके फोर फादर्स की कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं पता होती किसी को भी। तो हो सकता है किसी जीन्स में या किसी और जनरेशन में वो सोरासिस दिखा हो और अब चार पांच जनरेशन बाद वो आप में आ रहा हो। इट्स ऑल अबाउट ट्रेट्स एंड इट्स ऑल अबाउट जेनेटिक मटेरियल। कुछ बीमारियाँ या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दो तीन जनरेशन बाद किसी जनरेशन में देखने मिलती है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है। सेकेंड, सोरासिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। अगर उसको कोई भी ट्रिगर मिलेगा, छोटा सा ट्रिगर मिलेगा, चाहे वो आपका गला ख़राब ही होना हो या ज़ुकाम होना हो या कोई भी एक इन्फेक्शन होना हो बॉडी में या कोई भी एक स्किन इन्फेक्शन होना हो या फंगल इन्फेक्शन होना हो, तो उससे भी जब इम्यून सिस्टम आपका पूरा ख़राब हो चुका है और वो समझ ही नहीं पा रहा कि किसको बचाऊं और किसको प्रोटेक्ट करूं और किसको बाहर फेंकूं और किसके अगेंस्ट लड़ूं, तो वो अपने ही अगेंस्ट आपकी बॉडी को अटैक करता है और आपका इम्यून सिस्टम ढंग से काम कर नहीं पाता, जिसकी वजह से आपको स्किन लेशंस दिखते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि सोरासिस बेसिकली क्यों हो रहा है, चाहे वो फैमिली में है या नहीं है, चाहे आप अल्कोहल लेते हैं नहीं लेते, आप नॉनवेज खाते हैं या नहीं खाते, डजेंट मैटर। ये चीज़ें आपको तब मना करी जाती हैं वंस यू आर सफरिंग फ्रॉम सोरासिस। ये चीज़ें हम तब मना करते हैं अवॉइड करने के लिए जब आपको सोरासिस हो चुका है, और बिलीव मी ये चीज़ें कम करने से सोरासिस जिस तेज़ी से कम होता है, स्पेशली अल्कोहल, नॉन वेजिटेरियन फूड, एग्स, फिश, चिकन, मटन, एवरीथिंग, हैवी स्पाइसेस, गरम मसाले, मिर्ची पाउडर और तरह तरह की जो भी स्पाइसेस होती हैं, जितना इनको कम करने से सोरासिस आपका कम होना शुरू होता है वो बहुत मैजिकल है। और आपको सोरासिस को ठीक करने के लिए क्योर की ज़रूरत होती है, ना कि सप्रेशंस की। सो प्लीज़ अवॉइड टेकिंग स्टीरोइड्स, अवॉइड टेकिंग एलोपैथिक ट्रीटमेंट। आप अपने सोरासिस को क्योर करें, ना कि सप्रेस करें। सप्रेस करते 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 करके आपके अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द हैवी डोजेज एंड द स्टीरोइड्स एंड एवरीथिंग। आपको पता है कि आप क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आपको क्या लेना चाहिए। सो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने सोरासिस का क्योर ले सकते हैं और एक कॉन्फिडेंट सफरिंग फ्री लाइफ जी सकते हैं। आई होप आज आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर अपनी इमेजेस भेजिए, हमारे डॉक्टर्स को कंसल्ट करिए और एक अच्छा सल्यूशन और एक अच्छा क्योर करिए और अपनी लाइफ को सफरिंग फ्री बनाइए। हैप्पीली रहिए और कॉन्फिडेंटली रहिए और अपनी बीमारी को समझिए और इसका क्योर लीजिए, सप्रेशन नहीं। सो थैंक यू एंड टेक केयर।